हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। CBSE ने क्लास 11th में अब तीन तीन नए सब्जेक्ट जोड़े हैं क्लास 11th के लिए, राइट? तो ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अब क्लास 11th में आए हैं, राइट? तो ये नया सर्कुलर आया है CBSE की तरफ से, राइट? तो इसे जान लेते हैं कि आपके कोर्स में कौन से तीन नए सब्जेक्ट CBSE ने अब जोड़ दिए हैं, ठीक है? तो देखो क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल कोर्स फ्रॉम क्लास 7 और 6 टू 11 इन द सेशन 2020 एंड 2021, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं जल्दी से, राइट? पहले पॉइंट में CBSE ने लिख रखा है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमें लगता है कि इनोवेटिव चीज़ें होनी चाहिए, स्किल बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे ध्यान से पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो है मेक द न्यू जनरेशन मोर क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड फिजिकली फिट टू कीप द पेस विद द ग्लोबल डेवलपमेंट एंड रिक्वायरमेंट एट वर्क प्लेस। CBSE इंट्रोड्यूसिंग, राइट? क्या कर रहे हैं? CBSE इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू सब्जेक्ट, नेमली कौन कौन से तीन नए सब्जेक्ट जोड़े हैं। एक तो डिजाइनिंग थिंकिंग, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। देखो ट्रेनर की बात है, कई बच्चों को लग रहा होगा सर फिजिकल एजुकेशन तो है हमारे पास, फिजिकल एजुकेशन अलग चीज़ है, ये फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर अलग है। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आप जानते ही हैं, ठीक है? तो तीनों के बारे में उन्होंने बताया कि ये इस साल से 2020-21 में अब जो बच्चे 11th में आएंगे उनके लिए होगा। तो 10th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट इसमें से चूज करना पड़ेगा, राइट? तो देखो क्या लिखा है, ये लिखा है देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये किससे होता है? मशीनिंग वगैरह से, है ना? तो जितनी भी आपने एवेंजर्स की पिक्चर देखी है, या आपने अगर टोनी स्टार्क को देखा है आयरन मैन, तो वो जो जार्विस है, जार्विस, ठीक है? तो जार्विस जो टोनी स्टार्क के लिए काम करता है ना, सूट वगैरह बनाता है, उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो वो जो जार्विस टोनी स्टार्क का काम करता है, तो वो जार्विस है क्या? आर जार्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, समझ में ना बात, राइट? फिर फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना? तो फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड एंड बॉडी, हार्ट एंड सोल वाली बात अगर हम बोलते हैं, तो माइंड और बॉडी एकदम स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो विद द व्यू ऑफ माइंड द कोर फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर इज प्रिपेयर्ड, एक्टिविटी ट्रेनर। तो इससे क्या होगा, स्किल आपके अंदर डेवलप होगी, आपके अंदर लाइफ स्किल्स के बारे में, और एज अ ट्रेनर आइडिया फिट रहने के लिए क्या होगा, आपके लिए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तीन नए सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना? पहला डिजाइनिंग, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन तीन नए सब्जेक्ट में से आपको क्लास 11th में चूज करना है। इसके बाद जो CBSE ने बोला, CBSE ने ये बोला कि हमने पहले से ही बहुत सारे सब्जेक्ट तो पहले से ही दे रखे हैं, है ना? अगर आप देखो तो 17 सब्जेक्ट्स जो एक्स्ट्रा हैं स्किल बेस्ड वो 10th में है, और 37 सब्जेक्ट 12th के हैं। तो अगर आप वो देखना चाहेंगे तो देखो आप इस नोटिफिकेशन के नीचे जाएंगे, ठीक है? बाकी कुछ खास बात नहीं है इसमें, इसमें बस ये बता रखा है कि हमने सब स्कूलों को भेज दिया है, ठीक है? तो देखो ये नीचे सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये है क्लास 9th और 10th के लिए, अभी बात समझ में आ गई होगी, और ये है हमारा क्लास 11th और 12th के लिए। तो 37 तो पहले से ही है क्लास 11th में आपके पास एक्स्ट्रा, ठीक है? इसके अलावा तीन और जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए? अब टोटल हो गए आपके पास अब 37 प्लस 3, तो टोटल हो गए 40। पॉइंट नंबर 4 को अगर और पढ़ें तो उसमें लिखा है कि 10th में क्या होता है, आपके पास पहले से जो 5 सब्जेक्ट हैं एक 6 सब्जेक्ट हो जाएगा ये वाला, राइट? तो 10th वाले बच्चे अगर 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सब्जेक्ट को देना, और उनका जो 6th सब्जेक्ट होगा स्किल बेस्ड उसी को वो 5वां सब्जेक्ट मान के उसको पास कर देंगे। या फिर उसके पास ऑप्शन क्या है, इफ कैंडिडेट डिजायर टू, अगर हाउएवर इफ कैंडिडेट डिजायर टू अपियर इन द फेल्ड सब्जेक्ट ही और शी मे अपियर फॉर द कंपार्टमेंट, तो वो चाहे तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। अब बात आती है सिमिलरली, है ना? सिमिलरली
सीनियर सेकेंडरी ने ट्वेल्थ बोर्ड वुड अप्रिशिएट इफ यू एस्टीम्ड स्कूल। अगर देखो हमारे पास तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, राइट। आपको बताइए छठा सब्जेक्ट होता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अगर 6 सब्जेक्ट भी अगर आप जोड़ के चलना चाहें तो चल सकते हैं, 40 में से आप क्या करें चूज करवा सकते हैं। दिस कैन बी द पोजिशन सब्जेक्ट, एक्सप्लोर न्यू एवेन्यू एंड एक्वायर प्री प्रोफेशनल स्किल्स टू फेस द चैलेंज ऑफ द लाइफ इन फ्यूचर, राइट। तो ट्वेल्थ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है कि ट्वेल्थ में आपको ये 6 सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। आप ट्वेल्थ में तो जो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स या 30 सब्जेक्ट में से आपको जो चूज़ करना पड़ता है वही है। अगर स्कूल चाहे तो आपको दिला सकता है, आप लेना चाहे तो लिए, आपके लिए ऑप्शनल है। तो मेनली ये बात इलेवेंथ के लिए है। इलेवेंथ में अगर आपको चूज़ करना पड़ता है, राइट, तो आपको इन 3 नए सब्जेक्ट और जोड़े गए हैं, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और टेंथ वाली बात मैंने आपको टेंथ के बच्चों के लिए बताई दी है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट जब आप चूज़ करेंगे तो किसी में अगर आप रह जाते हैं तो कंपार्टमेंट दें, 6th को ही आपका कंपनसेट मान के आपको पास कर दिया जाएगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, राइट। तो ये खास बात जो 3 सब्जेक्ट की है, और ये वाली जो इम्पोर्टेंट बात है इसे ध्यान से पढ़ें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप आप सब ने 12th के टॉपर की कॉपी देख ली होगी कि टॉपर ने कैसे एग्जाम में प्रेजेंट किया था, जिसके 100 में से 100 आए हैं। उसको नहीं देखे तो देखें, राइट। मिलता हूँ आपको अगले नए लेक्चर में नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना।